क्या आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? गुड इवनिंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। आपको संडे को पूरी कहानी सुनाई। धोखा देने वाले से ज्यादा बड़ा गलत धोखा खाने वाला होता है, क्योंकि वो आंखें बंद करके हर एक बात पर यकीन कर लेता है। यही सबसे बड़ी गलत फितरत है इंसान की, इंसानों पे विश्वास नहीं, जानवरों पे कर लेना वो ठीक है। चलिए आपकी क्लास पे आगे बढ़ते हैं, संडे को पूरी कहानी बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के हमारे पास इनसे संबंधित भी सवाल आते हैं, कहेंगे ये पढ़ाई वाली क्लास है। सही बात है, लेकिन जिंदगी का ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहुत से कैंडिडेट हमारे इससे भी परेशान हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे संडे को। हमारे एक परम मित्र हैं पंकज जी, उनके साथ कुछ ऐसा ही बड़ा खतरनाक वाकया हुआ है, तो बताएंगे हम संडे को। क्लास पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, याद है कुछ आपको? याद है क्या क्या पढ़ा था? बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रा वाला चैप्टर था, उसी में पढ़ रहे थे ना। तो आप मुझे ये बताओ कि 9x का पावर 5, इसमें x का पावर 5 का जो वो क्या बोलते हैं, गुणांक क्या है, बताइए। अनु शुक्ला जी बताइए, कमेंट आ रहा है, x की पावर 5 का गुणांक क्या है? डीएलएड मैथ, डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फर्स्ट सेमेस्टर। YouTube पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाती है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आकांक्षा गंगवार और मेसरुकुल आलम, रोशनी कुमारी, आरती मौर्य, लकी, सबका क्लास चल रहा है, शुरू हो गया ना। मैंने छोटा सा सवाल किया है कि इसमें गुणांक क्या होगा, x का 5 का गुणांक क्या होगा। अच्छा, एक और बताइए, एक क्वेश्चन और है, x का पावर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और इसमें x का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दिव्या राजपूत, ये गलत बता रहे हैं सब भाई। पूजा मिश्रा का सबसे पहला सही जवाब है, और उसके पहले जो बताए हैं आकांक्षा जी, उनका गलत है। आप कहोगे काहे गलत है, क्योंकि थोड़ी सी गलती है जो आप नहीं देख रहे हो, यही मुसीबत है, प्रॉब्लम है ये। चलिए ठीक है, माइनस रहेगा इसमें, निगेटिव है ना इसमें, तो जो चिन्ह है उसके साथ ही लिखा जाता है, चिन्ह छोड़ के नहीं। ठीक है, हम मुख्य टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, इनको आप जोड़ के मुझे बताइए। और एक और बता दो भैया, क्या 3x का पावर 5 और 9x का पावर 5 और x का पावर 5 ये सजातीय है, क्या ये सजातीय है? आज का टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, बीज गणितीय व्यंजकों का, पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई, व्यंजक लिखना था, एक मिनट। जोड़ घटाना गुणा भाग, व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, क्या पढ़ना है? बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है अगर ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा प्रिय साथियों, बस क्लास को पूरा देखिएगा, लगभग 45 मिनट, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, सतुआ पिसान लेके बैठिएगा, पानी वानी जाइएगा नहीं। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक नजर सुन लीजिए। चर यानी जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं, अचर पद यानी कांस्टेंट, लाइक टर्म्स सजातीय पद, अनलाइक टर्म्स विजातीय पद, और क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक, ये सब पिछली क्लास में पढ़ा है। अजय यादव, कॉमेडी मौज, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
आगे बढ़े तो चलिए अब आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कहाँ से? ध्यान दीजिएगा इधर साइड में। अबे यार भाई इसको फिर काहे दिखा दिया। अच्छा ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे। जैसे यक्स प्लस थ्री यक्स, इसको जोड़ के क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए क्या आएगा। मैं बताता हूँ, इधर समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि वन में थ्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा? भैया देखो इनकी अलग दुनिया अपनी। वन में थ्री ऐड करेंगे तो फोर आएगा, फाइव में सेवन ऐड करेंगे तो ट्वेल्व आएगा, आएगा ना? कुछ उसी तरह से इनको भी जोड़ा जाता है। ये एक अलग कैटेगरी है। कैसे जुड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको गुणांक पढ़ाया था ना, गुणांक पढ़ाया था, कोफिशियंट। तो ये बताओ भाई सभी कि अगर मैं बोलूं जेड, तो जेड का गुणांक क्या है? जेड का गुणांक क्या है अगर इस पे स्क्वायर भी लगा है? बताइए जल्दी करिए, क्या है इसका गुणांक? आइए मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे हम कोई भी नॉर्मल सा संख्या जोड़ देते हैं तो आप लोगों को उसको अच्छे से पता है। पूजा मिश्रा जी बिल्कुल, आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका सबसे पहला और सही जवाब किसी ने दिया है तो उनका नाम है पूजा। दूसरे नंबर पर है आकांक्षा, इनका गलत है। रोशनी का सही है, अनुपम मौर्य का सही है, और संजना कुमारी का भी सही है, फिजा खान, अरुण, अनु, ठीक है। इसका गुणांक क्या है? वन है। तो जब भैया हम लोग जोड़ते हैं ना तो गुणांक ही जोड़ते हैं, घात से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ गुणांक जुड़ता है। तो इसमें यक्ष का गुणांक क्या है? वन है। अगर कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है, तो इसका गुणांक वन। इसका क्या है? थ्री है, तो थ्री वन एट होता है तो क्या होता है? फोर, फोर होता है ना। तो वैसे ये क्या होगा, दोनों जुड़ के चार हो जाएगा, और जो भी साथ में वेरिएबल्स होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, समझ रहे ना। चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता जानते हैं? अरे भाई ये थोड़ा बेवफा टाइप का होता है, इसका मान कभी भी स्थिर नहीं होता है, इसका मान बदल जाता है वक्त के अनुसार अपनी फायदा नुकसान देखकर, समझ रहे हो। अभी डिटेल में बताएंगे तो आप समझ जाओगे। अगर कोई भी आप इक्वेशन देखो, समीकरण देखो, उसमें जो यक्स और वाई के मान होते हैं वो सब बदलते नहीं है, अलग अलग आते हैं। अगर आप इधर देख लो छोटा सा, मान लो कि यक्स का स्क्वायर प्लस तीन यक्स, और मान लो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, प्लस पांच बराबर जीरो। इसमें यक्स का मान कुछ रखोगे तो वाई का कुछ और आएगा, वाई का कुछ और रखोगे एक्स का कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, उसका कुछ और आएगा, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं होता है, समझ रहे हो ना आप। तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। इनके बारे में मैं पिछली क्लास में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी जरूरी है क्योंकि जो नए नए जुड़े हैं उनको आ नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत की बात है। तो ये सबको समझ में आया, फोर एक्स कैसे हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर तीन घात लगा दिया तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर यही आएगा, बताइए। अगर मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, इस पे तीन घात लगा दिया, तो क्या इसका आंसर यही आएगा या नहीं? अगर आपका जवाब है हाँ यही आएगा तो आप बोलिए वाई, वाई मतलब यस। अगर आपका जवाब है नहीं ये नहीं आएगा तो आप लिखिए यन। मैं पूरी कहानी पे चलता हूँ, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, पहली बात तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं। जैसे मैंने आपको व्यवहारिक एग्जांपल बताया था ना शुरू शुरू में, कि जिनकी घातें बराबर होंगी, चर बराबर होंगे, एक समान होंगे, वही आपस में जुड़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन दो लोगों की बात व्यवहार, पसंद नापसंद, सोच विचार और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं, उन लोगों में दोस्ती हो जाती, प्यार हो जाता है ना। लेकिन आजकल की तो बात अलग है, लोग कुछ और देख के कर लेते हैं। हाँ चलिए वो बात अलग करिए, इसमें आइए। इसमें देखो यक्स क्या है, दोनों में बराबर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सेम है, हाँ, लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, ये कभी भी जुड़ नहीं सकते आपस में, समझ रहे हो ना आप। लेकिन अगर ये घातें बराबर हो गई तो अब ये जुड़ जाएंगे, इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन इसमें स्क्वायर था इसलिए इसमें स्क्वायर लग जाएगा। नहीं समझ में आया अभी, कुछ और देखिए आएगा, थोड़ा देर और देखिए सब आएगा।
जैसे अगर मैंने लिखा 9x का पावर 5 और प्लस ये 2x का पावर 5, तो ये कितना आएगा बताइए। एक और बताइए, जैसे मैंने लिखा इसमें 5x का पावर 3 और 9x का पावर 3 और 7x का पावर 2 लिख दोगे तब? हाँ चलो ठीक, नहीं 2 मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। 2 लिख दोगे तभी ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसका आंसर कोई बताएगा? वह भाई 2 का है लिख दिया, एक मिनट। ये कोई वो क्या क्या कमाल कमाल के लोग हैं। ए भैया साहब इधर आओ पहले, ये कौन बताया इसकी घात 5? आकांक्षा। अच्छा मतलब घात भी जोड़ ले रहे हैं। सुप्रिया त्रिपाठी, राहुल, देखिए आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे ना सब आएगा, पक्का आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, बस देखते जाइए। आइए मैं बताता हूँ साथियों, जुड़ेगा तभी जब उसके पहले नंबर तो चर बराबर हो, सेम हो। चर का मतलब अगर इसमें यक्स है तो इसमें भी यक्स होना चाहिए, इसमें वाई है तो इसमें भी वाई होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जितने यक्स वाई इसमें हो उतने इसमें भी होने चाहिए। दूसरी बात, सभी वेरिएबल्स की घातें बराबर होनी चाहिए तभी जुड़ेगा, एक नया पद बनेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, याद रखना। बस इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, ठीक है, इसकी घात 5 है, इसकी घात भी 5 है, ये भी ठीक है। ऐसी स्थिति में इनके गुणांक जुड़ जाते हैं, 9 में 2 जुड़ जाएगा 11, और यक्स का घात जो भी रहेगा वो वैसे आंसर हो जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। समझ में आया ना? इसमें देखिए, इसमें सभी की घात सेम है कि नहीं, सभी की घात सेम है या नहीं, बोलो जल्दी से भाई। 3, 3, 3, 3 सब में है ना। अगर ये ऐसा है तो इनके जितने भी गुणांक हैं आपस में जुड़ जाएंगे। इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है भाई, जिसके कोई नहीं है उसके माई बाप है। इनके देखो 9 है, इनके 7 है, जोड़ लीजिए 5, 1, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15, 15, 7, 15, 5, 20, 2, 22 कितना हो गया? 22 x का पावर 3। सबसे पहला इसमें जो सही जवाब दिया था, दिव्या तिवारी, संजना, ठीक है चलिए ये भी सही है। अच्छा एक बात बताओ भाई, इधर आओ सब लोग देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी घात 2 कर देता हूं तो क्या तब भी ये सभी जोड़े जा सकते हैं? सबको आपस में जोड़ा जा सकता है? बताइए, बोलिए यस या नो। अगर मैंने इसमें से एक की घात बदल दिया तो क्या तब भी ये आपस में जुड़ सकते हैं? ये नहीं जुड़ सकते, ये नहीं जुड़ सकते। जैसे अगर आप 10 गधों के बीच में घोड़ा छोड़ दो तो क्या गधों के बीच में घोड़ा छुप जाएगा? नहीं छुपेगा, अगर घोड़े का बच्चा भी होगा तब भी वो अलग दिखेगा, दिखेगा ना। वैसे क्या है, इनकी घाते 3, 3 है, इनकी क्या है 3, 3 है, इसकी 2 है, ये आपस में नहीं जुड़ने वाला है, जबरदस्ती वाला काम नहीं है। डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है ये, देखिए ये आपस में नहीं जुड़ेगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो 5, 1, 6, 7, 13 ये 13x का पावर 3, लेकिन ये बेचारा अपना अलग घर बना के ऐसे ही रहेगा, ये बस ये आंसर होगा। समझ में आया ना, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अब बहुत ज्यादा डिटेल ना बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, आपने जोड़ना सीख लिया है कैसे जुड़ता है, आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे घटाना भी ऐसे सेम टू सेम होगा, आप कर लेंगे, सभी कर लेंगे ना, जैसे जोड़ना था वैसे ही घटाना है, उसमें जुड़ रहा था इसमें घट जाएगा, बस और कुछ नहीं। चलो यहाँ आ जाओ, इसका आंसर कितना आएगा जरा बताइए। अगर 9x का पावर 5 से 2x का पावर 5 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? UPDLET के ये फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात हो रही है, ये कहीं कक्षा 3 वाले का नहीं पढ़ाया जा रहा है। 7x की पावर 5 आएगा,
फिजा खान का आ रहा है। नहीं भाई रिकवरी नहीं हुई वीडियो की, कोर्स का रिकवरी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, 550-600 GB डाटा है। बात करेंगे बाद में, कल मैंने बताया था उसके बारे में। हाँ ये आपस में क्या करेंगे, घट जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये क्या आएगा, 7 आएगा, 7x^5। इसी तरह से एक दो और देख लीजिए, अगर मैंने लिखा 19x और -3x, तो भैया इसमें यक्स यक्स क्या है, समान चर है ना, तो ये गुणांक गुणांक आपस में घट जाएंगे, 16x आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे का एक का एक ही रहता है, नहीं, एक के साथ कई लोग का कनेक्शन हो जाता है कभी कभी, वक्त बुरा होता है, देखो कैसे, जैसे 3xyz का स्क्वायर है -9xyz का स्क्वायर, ये आप सही है। आप बताओ इसमें, इसमें कुछ दिमाग लग रहा है, देखिए इनमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें जेड है, इसमें जेड है, घातें भी सब में बराबर बराबर ही लग रही हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपस में घट जाएंगे और इसका आंसर आएगा 4xyz का स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अगर का मगर हो गया, ये घात 2 हो गई, तब क्या होगा बताइए, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया x पे तब क्या होगा। देखिए बहुत ही समझने वाली चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं कोई बताता नहीं जल्दी से, नहीं तो फटाफट खत्म करते हैं चटर पटर करके, हम इतना डिटेल में इसको पटक पटक के बताते हैं कि तुम सीख जाओ बस। ये अब घटेगा ही नहीं, अब ये घटेगा नहीं, जैसे एक नॉन वेज वाले और वेज वाले की आपस में नहीं पटती है, एक एक जगह बैठ के नहीं खा सकते, समझ रहे हो ना कि नहीं, जैसे बहुत से लोग होंगे वो अलग बात है। अब कहो कि बगल में बैठ के कौनो नॉन वेज खा रहा है, बकरा छकड़ा खा रहा है, तो कौनो बगल में बैठ के साग भात तो खाएगा नहीं, हाँ समझ रहे हो ना, वैसे ये क्या होंगे, आपस में घटेंगे नहीं, ये सब सब ट्रैक नहीं होने वाले। हाँ इसका अगर आंसर लिखना जाए तो यही आएगा जितना है, इसको ऐसा नहीं नहीं लिखेंगे, पर क्रिया करेंगे एक्टिविटी इनको ऐसे लिख देंगे बस, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सीख गए, मेन पॉइंट पे आते हैं गुणा वाला, मल्टीपल वाला थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, कैसे, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना और गुणा और भाग अब सीखेंगे। हाँ इसमें कुछ ये उल्टा पुल्टा करके भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, देखो समझो कैसे, ये उल्टा पुल्टा करके भी पूछ सकता है, मतलब जैसे अगर आपसे कहीं ऐसे दे दिया कि 1/5x^3 -1/3x^3, तब इसको भी आपको करना पड़ेगा, करके बताइए कितना आएगा, 2x^9 -x^9, जैसे यहाँ पर दे दिया 128x^2y -125x^2y, क्या आएगा, कर लेंगे आप लोग इसे। भाई देखो बातचीत ना करो, बातचीत ना करो, प्रीति सुप्रिया अजय दिव्या और ये कुछ लोग हैं जो कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वरना ये जो यहाँ पे हो रहा है ना ठीक नहीं है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्ब नहीं करिए, इनको कर लीजिएगे ना आप लोग। गुणा भाग में क्या करेंगे बताते हैं, देखिए इधर साइड 2 कॉलम बना लीजिए, जैसे अगर 3 का 2 में गुणा करते हैं तो 6 हो जाता है, वैसे अगर यक्स का यक्स में मल्टीपल करते हैं तो यक्स^2 हो जाता है। और आगे देखिएगा ध्यान दीजिए, 9 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो 36, उसी तरह से अगर यक्स का स्क्वायर का अगर हम यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स^3। अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो इसको समझ गए,
नहीं समझे ना, तो मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ, जोड़ने और घटाने में तो ये होता था कि घाते बराबर होनी चाहिए, चर इक्वल होना चाहिए, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है, गुणा में कुछ भी हो सब चलेगा। ये संविधान पर आधारित है एक प्रकार से। जैसे आपका मैं सब चीज ले जा करके क्या मैं जोड़ता हूँ शादी ब्याह वाली बात में ना, क्योंकि आप लोग को समझ में आता अच्छे से। तो जैसे हमारा देश और समाज क्या चाहता है कि एक जाति के लोगों की ही शादी एक मतलब साथ में होगी, तभी देश और समाज स्वीकार करेगा, मतलब सॉरी समाज। लेकिन संविधान क्या कहता है, जिसको तुम चाहते हो ना उसी के साथ संविधान स्वीकार करेगा। आप किसी के साथ भी रह सकते हो, शादी ब्याह कर सकते हो, जिंदगी बिता सकते हो, ये संवैधानिक है। तो मल्टीपल में कुछ ऐसा ही है, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। इसमें ना घाते बराबर देखनी है, न चर बराबर देखना है। जो भी रहेगा सबका गुणा हो जाएगा, सबका मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। इधर समझिए, जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर 3x² और गुणा 9x⁵। यहां पर घात अलग है, यहां पर भी अलग है, लेकिन इनका क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। पहले तो गुणांक गुणांक का गुणा हो जाएगा, 3 का 9 में गुणा हो जाएगा, तो 3 9 27। और फिर क्या होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे 5 2 10 हो जाएगा। नहीं, घाते जुड़ जाती हैं, गुणा होता है किसका, नीचे नीचे के नंबर का। ठीक है, गुणा होता है किसका, नीचे नीचे नंबर का होता है। 3 का 9 में हुआ तो 27, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x⁷। समझ में आया ना, आया ना सभी को समझ में। जैसे अगला देखिए, अगर यहाँ पर हमने लिखा y इंटू वाई का स्क्वायर इंटू वाई जेड। अब यहां से समझना थोड़ा सा साथियों, यहाँ पर y⁻₁ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो गुणा करने पर जो सभी समान समान चर हैं उनकी घातें जुड़ जाएंगी, और जो असमान चर है उसकी घात नहीं जुड़ेगी, वो वैसे का वैसे ही अलग थलग पड़ा रहेगा अकेले में। देखो जैसे ये घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इनकी क्या होगी, आपस में घातें जुड़ गई, 2 1 3 1 4। और ये बेचारा जेड अकेले था, ये अकेले ही बगल में कहीं किनारे पड़ा रहेगा, ये किसी के साथ जुड़े उड़ेगा नहीं। वैसे देख लो, जैसे वैलेंटाइन डे में पार्क में जाओगे तो जो जो जोड़ी जोड़ी वाले हो तो आपस में अपना लगे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, जो हम लोग जैसे बेचारे अकेले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो कि नहीं, आप लोग समझ गए ना। चलो ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो इनके देखिए, इनके समान पद थे, वाई इसमें भी था, वाई इसमें भी था, वाई इसमें भी था, इनकी घातें जुड़ गई आपस में। लेकिन ये जेड अकेला था, इसमें और कहीं कोई जेड नहीं था दूसरा, तो इसलिए क्या हुआ, इसकी घात कहीं नहीं जुड़ी, ये वैसे का वैसे रह गया, जैसे था वैसे ही। अब चलिए आगे, अगर मैंने लिखा है यहां पर 3 को 3 लिखें, x⁵5 इंटू x⁻₁ इंटू x⁻-2। आप बताइए ये कितना आएगा, जल्दी बताइए। अमित सिंह पहले पढ़ाई कर लीजिए फिर बताते हैं कितना आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये 13 है ना, 13 है, इसमें और किसी में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा गुणांक में, सभी में गुणांक में 1 ही है। क्या है, गुणांक में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 है, 1 है, सब में 1 है। तो भैया ये 13 का 13 ही रहेगा, क्योंकि 13 का गुणा किसी में करेंगे तो वो 13 ही आएगा, तो ये 13 ही रहेगा। अब घातों पे आते हैं, घात पे ध्यान दीजिए, यहां पर घात 5 है, तो ये ऐसे लिखते चलेंगे, ये 5, ये वाला 5 इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला, ओ रुक जा भाई, ये 1 है ना, ये 1 भी इसमें जुड़ जाएगा, फिर ये 7 है ये भी जुड़ जाएगा, और फिर ये -2 है ये भी जुड़ जाएगा। ये होती पूरी कहानी, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 13 की घात⁻⁶ आ रहा है, किसका, इनका नाम है पूजा श्री,
ठीक है पूजा श्री, बहुत अच्छे। ये पांच पांच दस एक ग्यारह, ग्यारह सात अठारह, अठारह में से दो घट जाएगा सोलह आएगा, थर्टीन यक्स घात सोलह, थर्टीन यक्स घात सोलह आएगा। समझ में आया ना, ये माइनस में थी घात इसलिए घट गई, याद रखना ये होता है मल्टीपल, ये होता है गुणा। ठीक है समझ में आ रहा ना सभी को, आ रहा तो बोलिए हाँ, और क्लास को लाइक करिए। पहले आप लोग लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल, अंदर से दिल तो पहले भी टूटा है, जो तो कुछ बचा कुचा है थोड़ा मोड़ा वो भी चटनी बना दे रहे हो भाई, लाइक तो करो ना यार। जल्दी से सभी साथी फटाफट लाइक करेंगे तभी आगे बोलेंगे कुछ, अब हम नहीं तो बोलेंगे ही नहीं, अब वैसे भी बोल चाल बंद है। चलो जल्दी करो भाई फटाफट, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं। जल्दी करो भाई सभी सभी जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट लाइक करेंगे सेशन को, और अपने दोस्तों में तो कम से कम शेयर कर दीजिए, आज तो कर दीजिए। जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये मल्टीपल करना सीख गए, कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे बुक में से। एक मिनट भाई, चटनी ना बनाओ, लाइक करो जल्दी से। हाँ क्या था इसमें मल्टीपल ना, इसमें इतना ही था, जोड़ना घटाना ही था फिलहाल, गुणा था नहीं आपके सिलेबस में फिलहाल, मैं पढ़ाए देता हूँ। ठीक है तो जैसे अगर मैंने अब पूछा कि तीन एक्स घात पांच इंटू एक्स वाई इंटू जेड, इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, तरीका मैंने बता दिया है, सब कुछ आपको बता दिया, कुछ बचा नहीं, सोचिए और बताइए क्या आएगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है भाई। कौन है ये, देखो यार नंबर नीचे चल रहा है ना भैया, जिनको इंक्वायरी करना उस पर कॉन्टेक्ट करिए, निवेदन है यहाँ पे कमेंट में सब रिप्लाई नहीं हो पाएगा, नंबर पे संपर्क करिए नंबर पे। चलिए साथियों इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर फाइव है, इसमें कोई घात नहीं तो वन है, इसकी भी वन है। मैंने बताया था कि जब वेरिएबल्स इक्वल होते हैं तो उनकी घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है और गुणांक का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है तो तीन का गुणा करेंगे, वन में तो तीन ही रहेगा, इसका गुणांक भी वन है तो तीन ही रहेगा। यक्स का पावर यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर एक है, तो ये हो जाएगा यक्स का पावर छः। वाई का वन है, जेड का भी वन है, तो ये वाई का वन और जेड का भी वन, ये आंसर हो गया। समझ में आया ना, चले आगे बढ़े। अगला देखिए, अब आप लोग मुझे लगता है कि गुणा करना तो सीख ही गए हैं, थोड़ा सा और एक एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। हाँ नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, डीएलएड के अनुसार तो नहीं सही है बहुत ज्यादा। इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ना घटाना दिया गया भाई, उनको देख लो। ठीक है चलिए क्वेश्चन पे आइए। 3a प्लस 2b पे 6b प्लस a को जोड़िए, बताइए कौन कौन जोड़ लेगा। 3a प्लस 2b में 6b प्लस a को जोड़ना है, कौन कौन जोड़ लेगा ये बताओ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड वालों से। देखो भैया समझो पहले थोड़ा सा, जैसे अगर मैं कहूं कि तीन में सात को जोड़ो या फिर सात में तीन को जोड़ो, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर है। अब एक तमाचा मारना है ये, तो इस पे मारोगे तब उतने मजा आएगा, इस पे मारोगे तब उतने मजा आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वैसे ही। लेकिन अब इसमें इसके अलावा यहाँ कहीं नहीं मारना और कहीं नहीं, अलग हो जाएगा। तो देखो समझो, इधर साइड में
इनका मतलब मैं ऐसे क्यों बोला, क्योंकि इनका जो कर्म है उनको बदलने से जोड़ने में मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे इनको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ना है। तो पहले तीन ए धन दो भी लिखा और प्लस का साइन लगा के इनका सीरियल बदल देंगे। तो ये ए और धन, ये सिक्स बी, ब्रेकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो साथियों ये कोष्टक खुलेगा तो थ्री ए हो जाएगा प्लस टू बी हो जाएगा और प्लस ए प्लस सिक्स बी। प्रक्रिया पूरी करेंगे, अगर जल्दी से आंसर लाना है तो एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन हमें जल्दी नहीं करना है। जो ये सजातीय पद हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तीन में एक जुड़ेगा तो चार ए, दो बी में छः बी जुड़ेगा तो धन आठ बी, ये आंसर हो जाएगा फाइनल में। ये आपके परीक्षा में डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा में। तो याद रखना इसे कि इस तरीका का प्रश्न आपको आने चाहिए अगर जोड़ने के लिए आ गया। अच्छा ये बताइए, घटाने वाला भी ऐसे कर लेंगे आप लोग, क्यों भाई कर लेंगे कि नहीं? हाँ सभी कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नौ बी का स्क्वायर माइनस सेवन में से बी का स्क्वायर घटाइए। चलिए घटा के बताइए कितना आएगा। कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये बताता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे हल लिखिए, इनको ऐसे लिख दीजिए पूरे इज्जत के साथ जैसे भी थे। इसको घटाना था, माइनस का चिन्ह लगा के इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रहे कि ब्रैकेट जरूर लगाना। ये नाइन बी का स्क्वायर माइनस सेवन माइनस बी का स्क्वायर, ये सजातीय पद हैं आपस में घट जाएंगे, सिर्फ गुणांक गुणांक घटता है आपको पता है ना। तो नाइन से वन सब्ट्रैक होगा तो कितना आएगा एट, और बी का स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस का सेवन, ठीक है। ये बताइए इसमें से कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया कैसे आया, ईमानदारी से बताना कि किसको किसको नहीं समझ में आया। हाँ कोई है ऐसा जिसे ना आया हो समझ में? एक और देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि 15x के पावर 5y में से 7xy घटाइए, कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो भैया। ये 15x का पावर 5y माइनस ये 7xy, यही आंसर आएगा ये, क्योंकि ये घटेगा नहीं, ये घटेगा ही नहीं, इसका आंसर यही आएगा। लक्ष्मण जी वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो तो पक्का आएगा, सबको आएगा समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, योगेंद्र सिंह। तो ये हो गया आपका, घटाना हो गया, जोड़ना हो गया। इसी तरह का इसमें एडिशन भी ऐसे ही होता है सेम टू सेम। तीन पद में भी देख लीजिए, 4x धन 3y लिखिए, 4x धन 3y आठ प्लस 2x और इसमें एक पद और भी है अजीब टाइप का है, वो कहाँ गया, मिल जा भाई, 2y माइनस 5 को जोड़िए, सभी को जोड़िए। बताइए इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? मुन्ना कौन है, ये काहे को गाली दे रहे हैं? हाँ
कह रही है कि मुन्ना मानोगे कि नहीं, गाली दूं मैं, गाली भी अच्छी दे लेती हूँ और मुंह नाक सब तोड़ दूंगी। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। मुन्ना कुमार को ब्लॉक कर दीजिए 5 मिनट के लिए, और अगर ये 5 मिनट के बाद ना माने तो इनको गाली देना शुरू करो फिर, ठीक है? चलो बताइए कितना आएगा। कितना आएगा आइए बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये 4x + 3y इसमें जोड़ना था तो आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे, 8 + 2x। देखिए अगर जोड़ना है तो अक्सर ब्रेकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अगर घटाना होता है तो कोष्ठक जरूर लगाते हैं। तो ये जोड़ना था 2y - 5, क्योंकि घटाने में ब्रेकेट नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाता है कहीं कहीं। जो जो सजातीय पद हैं आपस में जुड़ जाएंगे, 4x में 2x जुड़ जाएगा। कोई और x वाला है क्या? नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3y में ये 2y जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5y, और ये 8 में ये 5, क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा कि घटेगा? ये प्लस है, ये माइनस है, भाई इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा ना। देखे हो कभी लड़का लड़का में आकर्षण हुआ है? नहीं ना, लड़का लड़की में हो जाता है, लड़की लड़का में हो जाता है। तो ये क्या है, आप जानते हो कि नहीं, वो फिजिक्स पढ़े हो कि नहीं, एनोड और कैथोड पढ़े हो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अभी उसके बारे में बाद में समझाएंगे। चलो दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में सबट्रैक होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो ये घट जाएगा, प्लस का 3 आएगा। जो इसमें फिजिक्स वाले होंगे, 12th में मैथ से पढ़े होंगे, वो अच्छे से समझ गए होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे तो वो कुछ और भाषा समझे होंगे। चलो ठीक है, हो गया तो ये फिर सही है ना, 4 में 2x जुड़ा तो 6x, और ये 3 और ये 2, 5y हो गया और ये 3 हो गया। आप लोग कर लेंगे ना इस तरह से। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे करके बताइए। नेहा वर्मा जी बताइए, बिल्कुल बताइए, मैं देखता हूँ। ये लो भाई, लो 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 क्वेश्चन, लो बताओ। 4a + 5b में से 3a + 2b घटाइए। चलिए इनको घटाइए आपस में फटाफट, कितना आएगा? ठीक है, इलाहाबाद से हो लेकिन आप अपने घर में ही बैठे रहो क्योंकि बाहर बड़ी ठंडी है। अजीत सिंह, आप बहुत कूड़ा करकट लगाए हो नाम में आगे पीछे, इसलिए थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। आप PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और एप्लीकेशन में जा करके ना आप बेसिक मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से सीखिए, एकदम शुरू से, बहुत बेहतर समझ में आएगा। एक बार जरूर डाउनलोड करें आप सभी PBR स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। अब तो इसमें बोरिंग सी लगने लगी, मुझे लगता है कि हो जाएगा, कर लोगे ना आप लोग। नेहा वर्मा जी ठीक है, योगेंद्र सिंह, डॉली राजपूत, बी में से सी को घटाइए, बताइए क्या आएगा, बड़ा गजब सा सवाल है। बी में से सी को घटाइए, क्या आएगा, घट जाएगा कि नहीं? द्विआधारी आधारी सब बताएं, जिसे बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं द्विआधारी को, इंग्लिश में बाइनरी बोलते हैं, हिंदी में द्विआधारी बोलते हैं। a + 3b कौन बताया? सबसे पहला जवाब है पूजा मिश्रा का, सही भी है, अनुपम का भी सही है, लक्ष्मण जी कुछ और ही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए जो नहीं घट सकता है उसको चिन्ह लगा के उसे लिख देते हैं, समझ रहे हो ना, जो नहीं घट सकता उसको क्या करते हैं,
चिन्ह लगा के वैसे लिख देते हैं। जैसे देखिए, जब हम लोग छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, किसी के घर में किसी गार्जियन की डेथ हो जाती थी, कुछ गड़बड़ हो जाता था, तो स्कूल में कंडोलेंस होता था, है ना। वहाँ पे एक मिनट का सर जी शोक करने को बोलते थे, फिर सब लोग अपने घर जाते थे। उसमें कुछ ऐसे भी लड़के होते थे जो दुखी तो नहीं होते थे, दुखी होने का नाटकसा करते थे, बाकी बीच बीच में नीचे मुड़ी करके खिसी आते, मतलब हंसते भी थे, समझ रहे हो। तो ये आपस में क्या करेंगे, घटेंगे तो नहीं, लेकिन घटने का नाटक करेंगे, मतलब चिन्ह लगा के लिख दिए जाएंगे, बस घटेंगे नहीं आपस में, ये सब ट्रैक नहीं होंगे, बस ऐसे ही, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से अगर कुछ भी बोला जाए, जैसे कहा जाए कि 9xy से xy घटाइए, तो क्या ये भी ऐसे होगा। हिंदी में राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, बस केवल मैथ में अच्छी है। कितना आएगा, कोई कह रहा है कि ऐप में चार्ज लगता है। भाई बिना चार्ज के जिंदगी नहीं चल रही है, बेरारू लड़का नहीं ना, लेकिन तब वो जिंदगी है तो आया मैं, कुछ तो लगेगा ही ना। चलो फट से बताओ कितना आएगा, देखिए ये उसकी तरह नहीं है, इसमें समानता है, ये दोनों सजातीय पद हैं अगर पढ़े हो तब। ये 9xy माइनस xy, इनको घटाएंगे, ये गुणांक 8 है, इसका 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 8xy आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए, अब कुछ नहीं बचा है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लीजिए। 2x में, चलो जोड़ो फटाफट, जोड़िए सबको। पहला है 2x में, 2x में 4x कितना आएगा, जोड़ के बताइए। देखिए आपके सेमेस्टर सिलेबस का है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डीएलएड वाले, बिल्कुल इसे नज़रअंदाज मत करना, जिनको नहीं आता है। मैथ्स में पूरे 25 में 25 नंबर मिलते हैं, पैक लगने की बात तो भूल जाओ। मैथमेटिक्स में बीटीसी में फुल नंबर मिलता है, 25 में 25 मिलता है, बस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ के रेडी किए रहो, इससे थोड़ा अगल बगल भी इनको भी जोड़िए। 1/2xy और धन 1/2xy, 1/5x का स्क्वायर वाई प्लस 1/7x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, इनको भी जोड़ना। जिनको सीधा सीधा गिनती को जोड़ना आता है वो इसको कर लेंगे, जिनको जोड़ना घटाना पहले से नहीं आता, इनको कैसे करेंगे, कर लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बफरिंग हो रहा है, तो आज क्लास बहुत बड़ी नहीं चलेगी, अब यहीं पे एंड करेंगे। मुझे लगता है कि ये सब हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग। हाँ, इसमें एक और भी विधि है, वो मैं बताया नहीं, व्यवकलन विधि और वैकल्पिक विधि। ए भाई रुक जा एक मिनट, एक पदीय व्यंजकों का व्यकलन, बताएं या ना बताएं कोई मतलब नहीं है। जैसे इनको मैंने जोड़ने को बताया था ना, ऐसे ऐसे अगल बगल में, तो बगल बगल में भी जुड़ जाते हैं, नीचे ऊपर भी जुड़ते हैं। देखो कैसे, इनको जैसे अगर मैंने कहा जोड़ने को ना, तो इनको जोड़ने का ये भी एक तरीका है, ये बगल बगल में है, हा? और इनको एक तरीका ये भी है, इनको नीचे ऊपर करके भी जोड़ सकते हैं, एक के ऊपर दूसरे को बैठा दो, ये ऐसे 2x के नीचे 4x को लिख दो ऐसे, तब भी ये 6x आया। ये दो तरीके से इनको कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना सभी को। तो ये तरीका होता है, फटाफट लिख लीजिए।
कुछ भी डाउट है, कुछ भी कहना है तो बताइए, ठीक है? समझ में आना सभी को? तो इस तरह से आप लोग करेंगे, कुछ हम यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग उन्हें लिखिए और घर से जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की मांग होती है कि भाई अभ्यास प्रश्न नहीं देते हैं मजा नहीं आती है, तो मजा आनी चाहिए थोड़ा बहुत ना। और जिसको ज्यादा मजा लेनी है वो जा करके अक्षरा केसारी, पवन और कंगना रनौत को देखें, समझ रहे हो ना? चलो देखो इधर, जिनको पढ़ने में थोड़ी बहुत चाहिए वो इधर आ जाएं। लिखिए 4a प्लस 3b और प्लस 1 को 7x प्लस a में जोड़िए। देखिए है तो अलग तरह का ये, लेकिन आप जोड़ के देखना। दूसरा 3x प्लस 9 में 7x और ये ऐसे को जोड़िए, इनको जोड़िए आपस में 3x और ये 5x धन 1, इनको क्या करिए गुणा करिए। अब ऐसा मैं लगता है इस तरह वाला नहीं बताया हूं ना। अगला देखिए, फाइव पे प्लस 7 तथा 2a माइनस 5 को घटाइए, इनको क्या करिए घटाइए आपस में, ठीक है? सेवन एक्स वाई प्लस 9xy प्लस xy को जोड़िए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के किताबें दी होंगी, कर लीजिएगा, इसमें और कुछ था नहीं। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 9, कल चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, कल चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है? एक और ये भी है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान बताइए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का मान बताइए। ये सभी फार्मूले हैं अगर आपने पढ़ा है सर्वसमी का। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पिंड करते हैं। किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बताइए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, दुख इस बात का है। वैसे तो दुख बहुत सारी बात का है, लेकिन आप लोगों से इतना ही है बस। बताइए क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें साथियों, जिससे कि ये क्लास 2 घंटे का कम से कम चल सके। जब 200 बच्चे रहेंगे तो कम से कम 2 घंटे चलेगी। अब ये 100 बच्चे होते हैं, कभी 80 होते हैं, कभी 70 होते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से थैंक यू। बंद करते हैं आज के लिए, इतना ही। अगली क्लास होगी फिर। वैसे ये क्लास सप्ताह में 3 दिन होती है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार और बुधवार, 3 दिन होती है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को। तो ये क्लास 7 दिन चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो 7 दिन चाहते हैं वो PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, PBR स्टडी ऐप्स में वो 7 दिन हमें देख सकते हैं हर दिन, ठीक है? तो इसे कर लीजिएगा जरूर। बाकी सोमवार मंगलवार और बुधवार को YouTube पर हम फ्री लाइव पढ़ाते हैं, सप्ताह में 3 दिन। आप लोग आइए पढ़िए, बिल्कुल फ्री पढ़िए। चैप्टर 10 तक खत्म हो गया है, इसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर और बचा है, ठीक है? चैनल पे सारे वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़े, एक तरफ से जाके देखो।